इंडिया में. पहले भी कृति चिदंबरम के बारे में खुलासे किए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके, एंड नाउ यस्टरडे फाइनली एक सीबीआई रेड एक इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस हुआ. सो पूरे मामले को किस तरह देख रहे हैं आप? सीबीआई रेड चोर है वही, पूरा मामला तो वही है और उससे ज़्यादा नहीं है. उसको पकड़ के अंदर करना है. चोरी की है सरकारी पैसा का, सरकार की संपत्ति का, विदेशों में जमा किया है और देश में भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में, फाइनेंस मिनिस्ट्री की जहाँ भी पहुँचती वहाँ उन्होंने किया है. यह ओके सर, अगेन आज इंडियन एक्सप्रेस ने एक आर्टिकल निकाला जिसमें उन्होंने जो 5 FIPB जो मेंबर्स थे उनमें से 3 ने ये कह दिया कि उन्हें याद नहीं है. सो मेनी मीटिंग्स एंड एवरीथिंग, और 100 से ज़्यादा 24 अक्टूबर को प्रपोजल्स हमने दिए थे तो उन्हें वो याद नहीं है कि उस मामले में हुआ क्या था. सो आई वांट टू आस्क, क्या उनके याद, उनकी मेमोरी या उनके कह देने से क्या मामला कहीं हल्का पड़ता है, और क्या जो ऑफिशियल्स थे सर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? ठीक है, ऑफिशियल्स का काम ये है कि सारे प्रपोजल्स जो आते हैं उसका दस्तावेज तैयार करके, सारे कागज़ आए हुए हैं, सब चीज़ ठीक ठाक है इसमें, और अप्रूवल तो मिनिस्टर देता है, और मिनिस्टर का दायित्व है कि उसमें उस सारी जो कागज़ आएंगे, जो फाइल्स आएंगे, उसकी छानबीन करें, पढ़ें और अपना मन बनाएं. अब एक सीधा कानून है कि 600 करोड़ रुपए से ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल होगा तो फिर इसको कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स में भेजना. अकेला प्रधान फाइनेंस मिनिस्टर फैसला नहीं कर सकता, परंतु तो इसने किया है. हाँ, वो INX मीडिया में उन्होंने 3.5 का, यानी 5 करोड़ का दिखाया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और बाद में 305 हुए हैं. तो यह फ्रॉड इसमें बहुत है, और इसको ऑफिसर्स का कि षड्यंत्र किया, ऑफिसर्स ने उनकी चापलूसी की, उसके लिए जो चाहते थे उसके अनुसार उन्होंने फाइल बना के भेजा, तो फिर वो भी पकड़े जाएंगे, वो भी हैं FIR में, उनका नाम है. उसका लिखना कौन पढ़ता है? नहीं, ऐसा बोलता है कि जैसे कोई रामायण लिख रहा है, वाल्मीकि बैठा हुआ है. आल्सो सेड दैट कि मिनिस्टर के ऊपर और FIPB सेक्रेटरीट के ऊपर कोई भी एलिगेशन नहीं है. तो क्या चोर को तुम जो समझते हो कहेगा कि मैंने चोरी की? वो तो यही कहेगा. और आप लोगों को कानून नहीं पता है तो आप बह जाते हैं और फिर मुझसे सफाई पूछते हैं. ये सब कोर्ट में बोलना चाहिए उनको. ओके सर, वन मोर क्वेश्चन, लास्ट के ओपिनियन चाह रहा हूँ कि व्हेन एक रूलिंग पार्टी किसी अपोजिंग पार्टी लीडर पे कोई सीबीआई कार्रवाई होती है, कुछ होता है, तो देयर इज अ फर्स्ट स्टेटमेंट कि दैट मिसयूज हो रही मशीनरी, सीबीआई इज मिसयूज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और सभी पे लगता है. वुमन, डू यू थिंक दैट द पॉलिटिकल पार्टी, सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी गवर्नमेंट, दे यूज द मशीनरी अकॉर्डिंग टू देम? मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने कंप्लेंट दिया, उसके आधार पर कार्रवाई हुई है, तो हमें तो संतोष है. हाँ हाँ, वो जो दूसरा जगह में क्या होता है मैं नहीं जानता, बट इसमें जहाँ तक चिदंबरम है, सोनिया गांधी हैं, ये तो सारे मेरे कंप्लेंट पर चल रहे हैं नेचुरली. हाँ नेचुरली, और क्या. ओके, ये तो ऐसा ही कहेगा या उसने कॉन्ट्रोवर्सी.